नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज और स्वागत करता हूं आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल एक्रोटेक पर। दोस्तों आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूं जीमेल आईडी का पासवर्ड किस तरीके से चेंज करना है, साथ ही बताऊंगा दोस्तों वो कौन सा दूसरा तरीका है जिससे आप दूसरे नंबर से भी अपना ईमेल आईडी का पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों कई बार क्या होता है, हम हमारा ईमेल आईडी का पासवर्ड जो होता है किसी काम के टाइम में भूल जाते हैं और तब हम गूगल अकाउंट पर लॉग इन कर नहीं पाते हैं। और मान लो दोस्तों आपने एक मोबाइल नंबर से अपना जीमेल आईडी को क्रिएट किया है लेकिन वो मोबाइल नंबर अभी आपके पास नहीं है, तो उसके लिए आपको पहले क्या करना होता है, तो आप बाद में दूसरे नंबर से भी लॉगिन कर सकते हो। इतनी सारे टॉपिक पर दोस्तों आज का वीडियो बनाया हूँ। दोस्तों इससे पहले मैंने वीडियो बनाया था टू स्टेप वेरिफिकेशन को कैसे ऑन करना है और साथ ही बताया था टू स्टेप वेरिफिकेशन होता क्या है। उस वीडियो को आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने आई बटन और डिस्क्रिप्शन पे दे दिया है, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन का बेल ऑन करिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं एक छोटे से इंट्रो के साथ। तो चलिए दोस्तों वीडियो देखते रहिए, मैं आगे आप सभी को बताऊंगा कि किस तरह से पासवर्ड चेंज करना है। बहुत ही इजी एंड सिंपल तरीका है दोस्तों, आप वीडियो को ध्यान से देखिए। दोस्तों मैं वीडियो आप सभी के लिए बनाता हूँ तो वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखिएगा, इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। और दोस्तों साथ ही मैं ऐसा टिप्स बताऊंगा जिससे आपका ईमेल आईडी कभी भी कहीं भी आप रिकवर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों पहले हम जीमेल को लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के बाद दोस्तों राइट साइड पर जो प्रोफाइल का आइकन दिखेगा वहाँ पर क्लिक करना है। फिर दोस्तों उसके बाद आपको यहाँ देखने को मिल रहा है मैनेज योर गूगल अकाउंट, उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों इस तरह से आपका प्रोफाइल ओपन हो जाता है। प्रोफाइल खुलने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको दिख रहा है होम, पर्सनल इनपुट, डाटा एंड प्राइवेसी और सिक्योरिटी। तो दोस्तों आपको क्या करना है, सिक्योरिटी पर क्लिक करना है। सिक्योरिटी पर क्लिक करने के बाद दोस्तों नीचे की ओर आकर आपको देखना है यहाँ पर साइनिंग इनटू गूगल अकाउंट, वहाँ पर क्लिक करना है। वहाँ पर क्लिक करने के बाद दोस्तों इस तरह से आपको यहाँ गूगल की ओर से पासवर्ड आपको मांगेगा, तो आप अपना पासवर्ड यहाँ पर एंटर करना है। पासवर्ड एंटर करने के बाद दोस्तों आपको सिंपली यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा। इसके बाद दोस्तों आपको पासवर्ड चेंज का पेज खुल के आता है, तो आपको यहाँ पर न्यू पासवर्ड क्रिएट करना है। पासवर्ड एंटर करने के बाद दोस्तों आपको चेंज पासवर्ड पर क्लिक करना है। तो दोस्तों आपका पासवर्ड चेंज हो गया है, यहाँ पर लिखा हुआ है पासवर्ड चेंज सक्सेसफुली। तो दोस्तों यही था पासवर्ड चेंज का प्रोसेस। तो आगे मैं वीडियो पर आपको बताऊंगा कि अपने ईमेल को रिकवर करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। ईमेल को रिकवर करने के लिए दोस्तों आप अपना दूसरा ईमेल ऐड कर सकते हैं और साथ ही एक एक्स्ट्रा फ़ोन नंबर ऐड कर सकते हैं। तो चलिए कैसे ऐड करना है आगे वीडियो पर मैं आपको बताता हूँ। तो उसके लिए दोस्तों आपको होम में आना पड़ेगा। होम में आने के बाद दोस्तों आपको पर्सनल इन्फो पर क्लिक करना है। एक ईमेल ऐड करने का ऑप्शन दिख रहा है जहाँ पर आपको लिखा हुआ दिखेगा ऐड रिकवरी ईमेल, वहाँ पर क्लिक करना होगा दोस्तों आपको। तो दोस्तों यहाँ पर अभी आपको आईडी का पासवर्ड डालना पड़ेगा। पासवर्ड डालने के बाद दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट करिए, उसके बाद आपको रिकवरी ईमेल डालने का ऑप्शन मिलता है। अब जिस ईमेल को रिकवरी में रखना चाहते हैं वही ईमेल आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, उसके बाद सिंपली नेक्स्ट करना है। तो सेम इसी तरह आप अपना मोबाइल नंबर भी ऐड कर सकते हैं, जैसे अभी हमने ईमेल को ऐड किया उसी तरह आप मोबाइल नंबर ऐड कर सकते हो। तो दोस्तों यही था आज का टॉपिक। अगर आपको जीमेल से रिलेटेड और भी कुछ बातें जाननी हो तो आप कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं और साथ ही दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।